देखिए, ये बहुत अहम सवाल है हमारे लिए कि खुदा हमसे चाहता क्या है और खुदा को हम कैसे जान सकते हैं, खुदा असल में कौन है, कैसा है, उसको हमसे क्या मतलूब है, हमें उससे क्या तवक्कुआत होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी सवाल है और अगर इस सवाल पे गौर ना किया जाए, ज़िंदगी तो गुज़र ही जाती है, चलते चलते आखिरी सांस का वक्त आ जाता है, इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसे बहुत अहम सवालों पे गौर करने की तौफीक नहीं होती। तो अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस ज़िंदगी में इन सवालों पे गौर करने की तौफीक अपनी आखिरी सांस से पहले हासिल हो जाए और फिर अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का हमें मौका मिल जाए और हम अपनी औलादों की सही तरबिया कर सकें, हम अपनी औलादों के लिए वो नमूना अमल बन सकें जिसके नतीजे में हमारी औलादें हमारे लिए सदक़ाए जारिया बन जाएं। तो ये जो मौजू है, ये मौजू बहुत अहम है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा पीछे से पस मंज़र ये बताऊंगा कि तकरीबन मुझे कोई 26 बरस हो गए इस तालीम और तदरीस और इस पेशे से जुड़े हुए, और फिर उसमें मैं वालदेन की खिदमत में और बच्चों के साथ भी और वालदेन के साथ भी और बहुत से असातज़ा कराम के साथ भी और काफ़ी सारे उलमा कराम के साथ भी मुझे मुख्तलिफ नशिस्तें करने का, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने का मौका मिला है। मैंने इस बात को जानने की कोशिश की अपने तौर पर भी और अपने प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाने वाले लोगों से भी इस बात को जानने की कोशिश की कि उनके बच्चों के जहन में खुदा से मुताल्लिक और मज़हब से मुताल्लिक क्या सवालात आते हैं। और फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि उन सवालात पर इन लोगों का रिस्पांस क्या होता है। तो मैंने ख़ुद भी एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस मकसद में सर्फ किया कि मैंने बहुत सारे बच्चों से मुलाकातें की और मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो खुदा के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या खुदा के बारे में उनके तसव्वुरात क्या हैं, या खुदा को वो किस तरह देखते हैं, या खुदा के बारे में उनके क्या परसेप्शंस हैं, या मज़हब से मुताल्लिक उनके जहन में क्या सवालात हैं। तो बच्चों के सैकड़ों सवालात, बल्कि शायद हज़ारों की तादाद में सवालात मुझ तक पहुँचे। फिर मैंने अपने दोस्त अहबाब और असातज़ा कराम और बाज़ उलमा कराम से भी ये गुजारिश की और बाज़ वालदेन से भी मैंने इस बात की दरख्वास्त की कि वो उनके बच्चे खुदा और मज़हब से मुताल्लिक जो सवालात करते हैं वो सवालात मुझे भेजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ी तादाद में, यानी ये मैं अपने पिछले 25-26 सालों में मुख्तलिफ मौाक़ों पे मैंने इस रिसर्च को इनफॉर्मली, मतलब कोई अपने तौर पर मैंने इन सवालात को इकट्ठा करने की कोशिशें की और ये सवालात मेरे पास आए और मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इन सवालों की साख्त पर, इन सवालों की नौइयत पर गौर करने में सर्फ किया। और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बच्चों के इंतहाई खूबसूरत और मासूमाना सवालात से रोशनास करवाया। फिर मैंने जब बच्चों के इन सवालात का तज़िया किया और इसके साथ साथ मैंने ये जानने की कोशिश की कि बच्चों के जहन में जब ये सवालात आते हैं तो इनके क्या तसल्ली बख्श जवाबात उन्हें मिल पाते हैं। फिर बहुत से बच्चे जो बड़े हो गए, यानी हम भी तो कभी बच्चे थे, मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि सर ऐसे सवालात तो हमारे जहन में भी आया करते थे। मुझे बहुत, जब मैंने बच्चों के सवालात लोगों से लेने शुरू किए तो लोगों ने अपने सवालात भी उसमें भेजे और बड़ी तादाद में हमारे माशरे में लोगों ने इस बात का इज़हार किया कि सर बास सवालात ऐसे हैं जो मेरे जहन में उस वक्त पैदा हुए थे जब मैं छोटा था, 6-7 साल, 5 साल, 4 साल या 10-12 साल का था या थी, और उन सवालात के जवाबात तो मुझे आज तक नहीं मिले। और बस फ़र्क इतना है कि जब मैं छोटा था तो इन सवालों के जवाबात की तलाश की तवानाई मेरे अंदर मौजूद थी, मैं इन सवालों के जवाबात तलाश करने में सरगर्म था, मैं लोगों से पूछता था, मैं इन सवालों पे सोचता था। लेकिन अब मेरे अंदर बड़ा इत्मीनान है, यानी कम इल्मी पे कनात जो आज के मुसलमान को हासिल हुई है या ला इल्मी पे जो कनात आज के मुसलमान को हासिल हुई है, इसका तजर्बा अल्लाह हमें माफ़ करे, हम सबकी ये कैफियत है कि हमने वो सवालात जो बचपन में हमारे जहनों में पैदा हुए और उसके सेटिस्फाइंग आंसर्स हमें नहीं मिल पाए, तो बड़े होने के बाद उन सवालों
के का ताक़ुब हमने छोड़ दिया, उन सवालों के पीछे हमने चलना छोड़ दिया, हमने सोचा कि पता नहीं ये किसी दीवाने के सवाल थे, पता नहीं ऐसे ही आ गए होंगे, लेकिन हमने इस पूरी स्कीम पर गौर नहीं किया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बहुत बड़ी तादाद में सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात उन्हें मिले ही नहीं हैं, या उनके जवाबात कैसे मिल सकते हैं इसका रास्ता उन्हें दिखाया नहीं गया है, और बास सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब में उनके जहनों में कन्फ्यूजन्स पैदा हुई हैं और उन कन्फ्यूजन्स के साथ पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और फिर मैं इस बात को और ज़रा सा खोलूँ, अगर मैं एक सख्त बात शुरू में ही, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात अपनी जगह ज़रूरी है, हमारे बच्चों को दीन कैसे सिखाया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये एक हमने आउटसोर्स कर रखा है, हमने कह रखा है कि देखो बेटा, जब तक दीनी मौजूआत निसाब में डालकर तुम्हारे सर पे इम्तहान का खौफ नहीं डाला जाएगा, इस दुनिया में कोई भी मुसलमान दीन के बारे में कुछ नहीं सीखेगा। ये हम अपने घर के माहौल में अपनी वजूदी शहादत के साथ, अपने अमल की गवाही के साथ, अपने महसूसात और मिजाज और कैफियत की गवाही के साथ तुम्हें दीन का तारुफ कराने से कासिर हैं। इसका एक ही तरीक़ा है कि तुम जब स्कूल में जाओगे तो वहाँ एक इस्लामियात का मज़मून होगा जिसमें कुछ सवालात होंगे और तुम्हें वो करने होंगे, तुम्हें होमवर्क मिलेगा, तुम्हें क्लास वर्क मिलेगा, फिर तुम्हारा इम्तहान लिया जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते तुम आगे बढ़ोगे, और अगर तुम मज़हबी ख़ानदान से हो तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि तुम्हें मदरसे भेजा जाएगा और वहाँ पर भी तुम्हारे इम्तहानात लिए जाएंगे और तुम्हें इस पूरे प्रोसेस से गुजारा जाएगा, और उसके नतीजे में हम ये सोचते हैं कि शायद इस बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि खुदा इंसान से चाहता क्या है। ये बहुत अहम सवाल है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दीनी तालीम चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 10 साल की हो, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो एक सवाल का जवाब दे, और वो सवाल ये है, खुदा इंसान से चाहता क्या है, खुदा असल में हमसे क्या चाहता है। इस सवाल के दुरुस्त जवाब तक हमें पहुंचाए, और इस जवाब के साथ हमारी वफादारी, इस जवाब के साथ हमारी कमिटमेंट, इस जवाब के साथ हमारा जो बहुत गहरा ताल्लुक, हमारी कमिटमेंट, इस जवाब के साथ हमारी वफादारी मुस्तहकम करे। यह है दीनी तालीम की बुनियादी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि अभी इस वक्त हमारी औलादों को और बहुत सारे बड़ों को भी इन सवालों पर उस तरह गौर करने की तौफीक नहीं मिली, और हम बस बड़े हो गए, हमारा तालीमी सफ़र मुकम्मल हो गया, लेकिन कुछ बहुत अहम सवालात होने से रह गए। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बच्चे जब कोई भी सवाल खुदा से मुतालिक पूछते हैं तो जिस तरह का रद्द अमल उनको मिलता है, बाज़ बच्चों को इस तरह का रद्द अमल मिलता है कि इस तरह का सवाल नहीं करते और खुदा से मुतालिक कोई सवाल नहीं करते। अब बच्चों के जहन में क्या सवालात हैं? खुदा हमें नज़र क्यों नहीं आता? खुदा कितना बड़ा है? क्या खुदा इस कमरे में आ सकता है? और क्या खुदा अगर हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें मौत क्यों देता है? और खुदा हमें जहन्नुम में क्यों डालेगा? और खुदा बीमारियां क्यों भेजता है? और खुदा जो है वो नाइंसाफ़ी को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? इस वक्त दुनिया में इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं? इस तरह के बेशुमार सवालात हैं, बेशुमार सवालात हैं। क्या खुदा की आँखें हैं? क्या खुदा के हाथ हैं? खुदा का क्या चेहरा है या नहीं है? खुदा किस तरह का है? खुदा का रंग क्या है? ये खुदा को किसने पैदा किया है? इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जो एक बच्चे के जहन में पैदा होते हैं। मज़हब से मुतालिक बेशुमार सवालात हैं जो किसी बच्चे के जहन में पैदा होते हैं। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उन सवालात का उन्हें ना तो जवाब मिल पाता है और ना ही उन्हें कोई ये रास्ता दिखाता है कि बेटा, इन सवालात का जवाब इस रास्ते पे चलने से तुम्हें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। और इससे भी बढ़कर इनके जहन में सवालों की जो पैदाइश होती है, हर इंसान के जहन में जो सवालों की पैदाइश होती है, इस कायनात में हर इंसान के जहन में बड़े सवाल की पैदाइश फितरी तौर पर होती है। तो इस ये जो अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने अपने बंदों के जहनों में सवाल पैदा किए हैं, इस पूरे अमल पर हम गौर नहीं करते और इस अमल की
यानी हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते और हम इस बात को नहीं सराह पाते और हम इस बात को नहीं अप्रिशिएट करते कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे जहन में खुदा से मुतालिक सवाल पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम खुदा के बारे में जानना चाहते हो। इसका एक और मतलब यह है कि खुदा के बारे में जानने की फितरी ख्वाहिश खुदा ने तुम्हारे अंदर रखी है। यानी अल्लाह के सबूत में क्या ये बात कम है कि हर इंसान के जहन में ये ख्याल पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है कि मैं कैसे दुनिया में आया हूँ, मैं कैसे पैदा किया गया हूँ, और मुझे, और हर इंसान के जहन में ऐसे सवालात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अम्मी और अब्बू आप दोनों की शादी कैसे हुई, आप दोनों एक साथ कैसे रहते हैं, और यानी दो लोग एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में कैसे जुड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस सवाल के जवाब में हमें मज़हब का तारुफ कराना पड़ेगा। या बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भाई मेरी दादी जान का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल करने के बाद ये कहाँ गई हैं, ये हमें नज़र क्यों नहीं आती हैं, आपने इन्हें ज़मीन के अंदर क्यों बंद कर दिया है, क्यों बंद किया है मेरी दादी को, मेरी दादी को बाहर निकालें, मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी दादी से मिलना है, हम दादी से अब क्या कभी नहीं मिल पाएंगे, क्या दादी अब हमेशा के लिए चली गई हैं। ये वो सवाल आते हैं जो बच्चे के जहन में पैदा होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि बच्चे को इन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाता। दूसरा मसला यह है कि बच्चों को हम चलें जवाब नहीं दे पा रहे, उन्हें वो रास्ता भी नहीं दिखा पाते जिस रास्ते पे चल के इसका कोई सेटिस्फाइंग आंसर उन्हें मिले। और तीसरा मसला यह है कि हमारे अंदर इन सवालों को सराहने की और इस फितरी अमल की कदरदानी की लियाकत भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम इस बात को पहचान नहीं पाए कि देखिए खुदा ने तलाश हक की जस्तजू हर इंसान के अंदर रखी है, इसी के नतीजे में उसके जहन में सवाल पैदा होते हैं। और ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि अगर इस बच्चे का आमना सामना किसी साहिब इल्म से हो जाए, किसी साहिब ईमान से हो जाए, तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी बच्चे को बहाने बहाने से खुदा का जिक्र, यानी ये मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि बच्चे को खुदा का तारुफ करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के बहाने नहीं तलाश करने पड़ेंगे, हमें उसके लिए किसी अपॉर्चुनिटी को, मतलब हमें इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी कि या अल्लाह मैं अब इस बच्चे को मज़हब और खुदा से तारुफ कैसे करवाऊँ, ये तो हर वक्त अपने कामों में लगा रहता है। अरे भाई, अपने कामों में जो लगा रहता है उसी के अंदर जो इसके सवाल होते हैं, वही सवाल असल में आप समझिए कि वो सवाल जो हैं वो आपके लिए ये वो डोरी है जिसको पकड़ के आप, ये वो सिरा है जिसको पकड़ के आप उस हकीकत आला तक खुद भी पहुंचेंगे, वो भी पहुंचेगा। खुदा ने हर इंसान के जहन की साख्त ऐसी बनाई है, हर इंसान के अंदर तलाश हक की जस्तजू रखी है। तो ये सबसे अहम बात है। मैंने उन सवालों का फिर तज्जिया किया और फिर मैंने उन सवालों के ऊपर कुछ काम किया और मैं फिर इस नतीजे पहुँचा। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की शर्मिंदगी थी भी और है भी कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि ऐसे किसी मौजू पर कुछ भी कलाम करूँ, लेकिन फिर मुझे ये महसूस हुआ कि बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और इस तरह के सवालात करते हैं, और उनकी मुश्किल को हल करने का अगर कोई तरीक़ाकार अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की कुदरत से मुझे समझ में आया है, तो मैं अपने तालिबिल्माना फ़हम को अपने दोस्तों से, अपने साथियों से और इन वालदैन से और इन बच्चों से शेयर करूं। तो मैं आज ये जिसारत कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला इस बात को कबूल करे, और जो बात मैं कह रहा हूं उसमें जो बात खैर की है और जो बात सही है, अल्लाह ताला वो आपको उसको समझने और उसको पिक करने के काबिल बनाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई इंसान ऐसा है जिसके जहन में खुदा और मज़हब से मुतालिक कोई सवाल पैदा ना हुआ हो, अगर यानी, या अच्छा, बाद सवालात ऐसे हैं जिनकी नौइयत वाकई खुदा और मज़हब से मुतालिक है, लेकिन बाद सवालात ऐसे हैं जिनकी बज़ाहिर नौइयत खुदा और मज़हब से मुतालिक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान ये सवाल करता है कि ये दो इंसान शादी करके क्यों ज़िंदगी गुजारते हैं, बग़ैर शादी किए एक दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर ये सवाल कोई इंसान कर रहा है तो ये सवाल मज़हबी नौइयत का सवाल है, मतलब इसके जवाब में मज़हब का तआरुफ लाना पड़ेगा। या इंसान मर क्यों जाता है, इंसान के बीमार क्यों पड़ता है, इंसान कैसे पैदा हुआ है, तो ये सवाल बायोलॉजी का बाद में है, साइंस का बाद में है, मज़हब का पहले है, दीन का सवाल ये पहले है, क्योंकि ये हमारे वजूद की हकीकतों को हमारे सामने खोल देगा। तो बच्चों के जो सवालात हैं
उनके तकरीबन हर सवाल की नौईयत ऐसी होती है कि वो अपनी हकीकत, कायनात की हकीकत और खुदा की हकीकत का कह लीजिए उससे उसकी तरफ उसको खोलने वाली होती है, यानी खुदा की हकीकत, अपनी हकीकत, कायनात की हकीकत को खोलने में उनके सवालात मावन साबित होते हैं। तो ये हैं उनके सवालों की नौईयत।